अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सैयद अयाज। तथा ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल में वर्ड आर्ट किस तरह यूज़ करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो जो भी पसंद आते हैं उसे लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों और फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों की भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट में आया, सबसे पहले मैं एक्सेल को ओपन कर देता हूँ। दोस्तों मैं अभी एक्सेल की फाइलें अपलोड कर रहा हूँ, वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ जिसमें तमाम ऑप्शंस वगैरह मैं आपको सिखा रहा हूँ, रिपोर्ट भी सिखा रहा हूँ, तो मेरी पुरानी वीडियोस भी व्यू कर लिएगा आप लोग। इंसर्ट में आ चुका हूँ दोस्तों। मैं दोस्तों तमाम ऑप्शन पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को ऑलरेडी। इसमें टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है वर्ड आर्ट। हम आज वर्ड आर्ट सीखेंगे किस तरह एक्सेल में यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें तो जो भी मुझे स्टाइल अच्छा लग रहा है दोस्तों मैं ले सकता हूँ। मैंने ये देखा यहाँ पे जो भी मुझे लिखना है टाइप करना है सैयद अयाज रज़ा। ओके दोस्तों, इसको मुझे जहाँ भी रखना है इसको मैं रख भी सकता हूँ। अच्छा दोस्तों यहाँ पे ग्रीन कलर का एक निशान आ रहा है, ये रोटेट का ऑप्शन है जिसकी मदद से आप रोटेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ओके दोस्तों, दोस्तों वर्ड आर्ट हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर आपने कोई शीट बनाई या आपने कोई भी वर्क किया है एक्सेल के ऊपर शीट के ऊपर अपनी, अगर आप चाहते हैं उसकी हेडिंग्स वगैरह खूबसूरत आ जाए तो आप इस टूल की मदद से अपने काम को काफ़ी अच्छा दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप चाहते हैं शेप के स्टाइल को चेंज करना या इसके इसके फील कलर को चेंज करना, यहाँ पे दोस्तों देखें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, जिस कलर में आप चाहें चेंज करना। जो भी आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे। ओके दोस्तों, देन यहाँ पे लिखा हुआ शेप फील कलर। इस कलर में आप चाहें फील कर सकते हैं। देन आउटलाइन कलर, सबसे पहले मैं इसकी आउटलाइन के साइज को बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही से व्यू हो। ओके दोस्तों, अगर आप इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, दोस्तों ये काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें आप लोग खुद भी देख सकते हैं इसको। देन 3D रोटेशन, जो भी ऑप्शन दिए हैं उसके मुताबिक आपकी जो वर्किंग है वो रोटेट हो जाएगी। देन आप चाहते हैं वर्ड आर्ट जो आपने लिखे हैं इसका स्टाइल चेंज है, यानी अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा है जिस कलर में आप चाहें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी डिमांड हो, रिक्वायर्ड हो, आप उसके मुताबिक वर्किंग कर सकते हैं। टेक्स्ट फील कलर, ये जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे अगर आप फील करना चाहते हैं। ओके दोस्तों, आउटलाइन कलर यानी टेक्स्ट की आउटलाइन कलर, रेड कलर आपके सामने हो चुका है। अगर आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं या दूसरा कलर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट कलर, ग्लू करना है अगर आपको, आपके सामने तमाम कमर सप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं आपके वर्ड आर्ट के शेप को भी चेंज करके दिखाता है। जिस हेडिंग में आप चाहें इसको रोटेट करना आप कर सकते हैं।
काफ़ी अच्छी कमांड है, आपके काम को काफ़ी अच्छा करके दिखाती है। 3D ओके दोस्तों, सिंपल काम कर लेते हैं वापसी हम। नो रोटेशन यानी बिल्कुल हमारा सिंपल बॉक्स हो चुका है। यहाँ से अगर मुझे हटा रहा हूँ तो मैं ये भी अप्लाई कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन एक और है, जितना डिग्री मुझे करना हो उसको ये कर। और यहाँ पे बॉक्स है, इसकी मदद से साइज को कम या ज़्यादा जो भी करना है कर सकता। बाकी अगर मुझे इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को डिक्रीज करना हो तो होम में जाके यहाँ से मैं यहाँ लिखा हुआ डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज डबल क्लिक करूँगा मैं तो ये ड्राइंग टूल्स में फॉर्मेट यानी टेक्स्ट का ऑप्शन, वर्ड आर्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, 90 डिग्री करना है, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री करना है। ओके दोस्तों, आज हमने सीखा है एक्सेल में किस तरह हम वर्ड आर्ट को इस्तेमाल करते हैं। मेरी वीडियोस पसंद आया तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।